तो जैसे वो रोज जाते थे काम के लिए वैसे एक दिन भी गए। सुबह उन्होंने नहाया धोया पूजा की और मम्मी ने उनके लिए नाश्ता रोटी बनाई तो वो चले गए थे। शाम को दिन भर तो कि फोन वगैरह उनका कुछ नहीं आया और दिन आता था उस दिन नहीं आया। शादी में गई थी उसने, हमको नहीं पता था कि वो शादी में गई क्योंकि असल में हम लोग तो वो हैं वो लोग सवर्ण जाति के लोग हैं तो उन्हीं के मकान मालिक की बेटी की शादी थी दुकान में जी पापा काम करते थे किराए में किराए। तो फिर उसके बाद शाम को भाई ने उनके फ़ोन पर फ़ोन किया पापा के और इसने किया छोटे वाले ने। तो एक व्यक्ति ने फ़ोन उठाया और उसने कहा भी तेरे पापा बारात में व्यस्त हैं, कल सुबह घर भेज देंगे। अच्छा कौन था वो? अभी तो उसका नाम पता चला है, हरीश है वो, कोई ये बजाने वाला, वो भी उसी शादी में शामिल हुआ था। तो उसने फ़ोन उठाया हमारा और उसने ऐसा कहा। उसने क्यों उठाया पता क्या बात? बाद में वो फ़ोन कह रहा था कि मेरे पास था तुम्हारे पापा का फ़ोन, ऐसा उसका कहना था। अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं हुई, रात को हमने सोचा ठीक ही है फिर पापा बारात में है, मम्मी ने कोई फ़ोन वगैरह नहीं किया। फिर दूसरे दिन सुबह उनका फ़ोन आया। रात की बारात? रात के बाद नहीं आया फिर उसके। नहीं रात की बारात थी, दिन की? रात दिन की थी बारात, तो शाम को आ गई थी, 7 बजे पहुँच गई थी बारात वहाँ उनकी वापस। अच्छा। दुल्हन की ओर से दूल्हे के घर में 7 बजे बारात पहुँची। ठीक है। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन फ़ोन आया मम्मी के लिए कि तुम्हारे पति की तबीयत ख़राब हुई है, बेहोश पड़े हुए हैं। हम ये भी कोई हुई राजू चंदियाल उसका नाम है, उसने फ़ोन किया। अच्छा। और कहा कि हम इनको लोहाघाट ले जा रहे हैं, तुम सेवा पानी करने आओ। अच्छा। तो फिर यहाँ से मम्मी गई और वहाँ से भाई भी, दोनों हॉस्पिटल में पहुँचे लोहाघाट के सरकारी हॉस्पिटल में। लेकिन वहाँ पिताजी के साथ कोई नहीं था गार्जियन के रूप में। असल में वो सरकारी हॉस्पिटल है और वहाँ उनकी अच्छी तरह देख रेख भी नहीं हुई थी, बिल्कुल उनको फर्श में लेटाया था और बिल्कुल नग्न अवस्था में थे पापा वहाँ पर, उनके साथ न कोई डॉक्टर न कोई नर्स, हालांकि वो सरकारी हॉस्पिटल। रगड़ना तो तब होता है जब आदमी को घसीटा जाता है, गिरेगा तो चोट लगेगी, ठीक है, और अगर रगड़ा जाएगा तो वो खींचने पर लगेगी, खींचने पर हो सकता है, ऐसा मैंने उनसे कहा। फिर उसके बाद? उसके बाद इधर टनकपुर से आगे की ओर पिताजी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, तो उन्होंने मेरे से छोटे इससे कहा, संजय से 15 साल का है, इससे उन्होंने बिल्कुल कांपते हुए और बहुत ख़राब स्थिति में कहा कि मुझे खाते समय मारा। चुप हो जाओ बच्चे, अब भाई यहाँ आए ना तुमसे मिलने के लिए, तो अब चुप हो जाओ, हौसला रखो। अच्छा एक बात का और जवाब दे दो, तुमसे ही पूछ रहे हैं, चुप हो गए, एक बार सुन लो बस। फिर अगर देखो पानी पियोगे तो पकड़ो। अच्छा अगर रोने से उनको न्याय मिलता ना तो मैं भी रो लेता हूँ, हम सब लोग रो लेते, हम सब लोग चाहते ना उनको न्याय मिले, हम सब लोग रो लेते बहुत बहुत, लेकिन हमारी चीखें सुन कौन रहा है? क्या हमारे आंसुओं से हमारी चीखों से किसी को तकलीफ होती है? अभी तो हमें इंसान में नहीं समझा गया है, जानवर को पीट दिया जाए तो उस पर भी चर्चा होती है, हम तो हमारे कत्ल पर चर्चा नहीं होती है। तो रोने से बच्चे कुछ नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा। अगर ये लोग न्यायप्रिय लोग होते तो अपने आप ना न्याय दे देते, फिर हम लोग क्यों आना पड़ता, आप लोग क्यों रोना पड़ता? ये सिस्टम ना उनके साथ खड़ा जो ताकतवर लोग हैं, कमजोरों के साथ नहीं खड़ा है, और हर कमजोर को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बस ये है कि अगर पता लग जाए तो हमारे जैसे लोग आ सकते हैं लड़ने। अच्छा सोचो तुम बहादुर हो तभी तो तुम लोग न्याय चाहते हो, कमजोर होते तो घर बैठ जाते, ठीक है, परेशान मत हो। देखो हम फिर कह रहे हैं तुम्हारे सामने ना कोई नहीं बैठा, तुम्हारा भाई बैठा है, ये छूट रहे ना तुमसे हम बड़े, बिल्कुल स्पष्ट कहने वाले हैं, अभी पूछेंगे उनसे भी, बस हमें FIR कॉपी चाहिए, हम लोग तो पूछेंगे वो क्या कर रहे हैं, और हम इतने हल्के नहीं हैं कि उनसे उनके आँख को गिड़गिड़ाने वाले हैं, हम में तो दम है, ठीक है ना, हम इनके पे इनको भी नकेल गिर देंगे, जो अधिकारी कर्मचारी हैं ना इनको भी नकेल गिर देंगे, हमसे बहुत कुछ आता है, हम वकील भी हैं, अभी सत्ता के दम पे सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ना कॉन्स्टिट्यूशन ने कितनी पावर दी है, ये देश का संविधान जो है ना हमें ताकत देता है, और फिर सब चीज़ें इन पे ही सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज करके ना इनको इनकी नौकरी खा जाऊंगा मैं, इनको भेजूंगा जेल, अभी आने ना।
आज तो मैं तुम लोगों से मिलने, क्योंकि ना देखो कौन क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कहते हो, आपको क्या महसूस, ये जानना जरूरी है। जो आप कहते हो ना वो लिखना पड़ेगा, उसके हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ेगी। कौन क्या कहता है इससे भी कुछ फर्क पड़ता है, ठीक है। मेरी यहाँ के कई अधिकारियों से बात हुई, मैं तो सिर्फ आज आपका पक्ष जानने के लिए आया, क्योंकि हमारी टीम यहाँ आकाश जी और तमाम लोग चाहते थे गोविंद जी की भाई आपको आना चाहिए। उनका कहना कि पिछले 3 महीने में 27 से 28 30 मामले ऐसे हो गए पूरे पहाड़ में जहाँ ये चल रहा है, और अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। इनको भी पता टाइम की क्या वैल्यू है, रंग की क्या वैल्यू है, दिन की क्या वैल्यू है, हम लॉयर हो ना हम जानते हैं, और ज्ञात और अज्ञात मुकदमे क्या वैल्यू है ये भी हम समझते हैं। पुलिस का स्पेशली मोटो ये होना चाहिए ना कि न्याय मिले, क्योंकि अपराध जो भी करेगा ना वो अगर उसको छूट मिलेगी तो वो दोबारा करेगा, उसकी नेचर में आ जाएगा, ये बुरा इससे नुकसान होता है। चलो आप कह रहे हैं इन्होंने एप्लीकेशन जो है ना अज्ञात में तहरीर लिखा है, वो है क्या कहते हैं पुरारी जी ने लिखी है तहरीर, उनके स्टेटमेंट में लिखा है। हां अच्छा, कहां है पुरारी जी, क्या नाम उनका, अमित पुरारी, अमित है, अमित पुरानी, अमित जी, हां अमित कहां है, अमित उन्होंने तहरीर लिखी है, उनके बयान भी, अमित जी को बुला दो, अध्यक्ष बुला। अच्छा ये तो एक हुआ हो गया सर, जिस टाइम एप्लीकेशन लिखी गई ना उस टाइम में कुछ पता नहीं था हुआ क्या। चलो ठीक ठीक, अच्छा ठीक, ये ठीक, हम मैंने उसको वो नहीं पढ़ा, ये तो होगी पहली बार। अच्छा उसके बाद इन्होंने कुछ अपनी उसमें बयान में कुछ नाम दिए, क्या उनसे पूछताछ दोबारा कर, पॉलीग्राफ टेस्ट की हो रहा है, हाँ मैं उनसे भी बात करूँगा। नहीं मैंने आपके यहाँ 2 मेल किए हैं, आपके यहाँ आ जाएगा, एक आपके यहाँ DGP को किया है और एक आयोग के जो चेयरमैन है उनको किया, आपके DIG है शायद, कौन माने साहब, हाँ उनसे भी मेरी अभी आते हुए बात हुई थी, वो सर राज्यपाल आए हुए सर उसमें लोग आप सर से आप बिल्कुल सर आपको पूरा ब्रीफ, मैं पूरा उसको ब्रीफ करूँगा। दो चीज़ें आपसे, क्योंकि ना ग्राउंड लेवल पे आप काम करेंगे इस मामले में, तो खैर ऐसा है कि हमारे SP सर भी मतलब आप देखा नहीं होगा सर खुद दो बार कौन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग आ रही है कि SC ST एक्ट में गिरफ्तारी होनी चाहिए, मुकदमा भी लिखा जाना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद सब चीज़ें होंगी। क्योंकि अगर अपराधी बाहर रहेगा ना तो वो एविडेंस टेम्परिंग करने काम करेगा, पीड़ित परिवार पे दबाव बनाने काम करेगा, उनको डराने काम करेगा, हम उस पर लीगली लड़ सकते हैं। और फिर अगर ये नहीं करते ना तो इन पर भी Section 4 का मुकदमा दर्ज करा के अगर ये शेड्यूल कास्ट के लिए तो इनको बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितनी पावर देता है, ठीक है। न्याय को कोई नहीं प्रभावित कर सकता है। मैं तो इसको ना मैं यहाँ वहाँ से यहाँ आने से पहले ना पूरा सुप्रीम कोर्ट सब चीज़ों करके अभी तो मैं इसको वहाँ लेके जाऊँगा, तुम्हें मैं बताऊँगा कास्ट एट्रोसिटी किसे कहते हैं, ठीक है। आपने क्या क्या अभी जांच पड़ताल में हो क्या, जैसे बता रहे हैं कि भाई उनका फ़ोन आया वो और अस्पताल में जो है ना विदाउट क्लोथ से सब चीज़ें, क्या जाँच की, कौन लेके गया, कैसे क्या जी, इसमें इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये तो आपने क्योंकि ये SP साहब नहीं करते हैं जी, साहब हैं बताइए क्या क्वेश्चन है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो उनके उनका फोन किसी और के पास कैसे पहुंचा। हाँ वो बारात छोड़ लिया जी, बारात जो है ना 7 बजे घर आ गई, वो क्यों नहीं आया, ऐसा क्या हुआ वहाँ, हम लोग क्राइम सीन पे गए, आप क्राइम सीन पे गए और सर हम लोग वीडियो कलेक्ट कर रहे थे एविडेंस के तौर पर, पिक्चर जो है जिनमें उनकी वीडियो है जिसमें वो डांस कर रहे हैं, और जिसके पास उनका मोबाइल गया था और उससे पूछताछ करी, उससे हम लोग पूछा कि तुम्हारे पास मोबाइल तुम्हारे पास कैसे है, तो उन्हें ये बताया कि ये मैं जानता हूँ इनको, ये दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं।